मोहाड़ी तहसील के पांजरा गांव शिविर में नाले में लाश दिखने से परिसर में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी आंदल गांव पुलिस थाना प्रभारी सुरेश मट्टामी को मिलते ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। मृतक की शिनाख्त करने पर मृतक का नाम रोशन खोडगे उम्र 28 साल बताई गई। पुलिस प्रशासन आरोपी पकड़ने में जुट गया है। पुलिस अधीक्षक वसंत यादव और अपर अधीक्षक अनिकेत भारती, उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष सिंह बिसेन, लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक जयंत चौहान इनके नेतृत्व में आंदल गांव पुलिस थाना प्रभारी सुरेश मट्टामी और इनकी टीम एपीआई भूषण पवार, पीएसआई गणेश पड़वार, पुलिस सिपाही नवनाथ शिंदे, मुकेश वैरागड़े इत्यादि ने रात दिन परिश्रम कर 24 घंटे के भीतर तीन आरोपी को, नाम जितेंद्र देशमुख उम्र 29 साल, प्रेम सूर्यवंशी उम्र 22 साल, आरोपी महिला मनीषा उम्र 30 साल, इन तीनों को धर दबोचा। आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी सुरेश मट्टामी कर रहे हैं। दुपारी 2:30 सुमार असमाला एक व्यक्तीचा फोन आला की पांजरा गावाजवळ नाल्याजवळ एक अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह पाण्यात पडलेला आहे। असा माहितीवरून आम्ही पोलीस स्टाफसह त्या ठिकाणी जाऊन ते पाहणी केली असता त्या मृतदेह हा पांजरा गावाजवळील एक नाल्यात उबड्या स्थितीत पडलेला दिसला। त्याला बाहेर काढून त्याची ओळख पटवली तर आजूबाजूचे लोकांनी त्यांचे नातेवाईक त्याने ओळखून सांगितलं की ती व्यक्ती रोशन रामू खोडके वय 28 वर्ष राहणार खांद्री असे सांगितले आणि त्या मृतदेहाची पाहणी केल्यानंतर त्याचा डोक्याच्या पाठीमागे कुठला तरी जड वस्तूने मारून त्याचा खून केल्याची शक्यता दिसत होती। त्या अनुषंगाने मी आजूबाजूच्या परिसराचं पाहणी केली असता तिथून जवळपास 50-60 फूट अंतरावर एक बैलबंडीचा रस्ता आहे, त्या ठिकाणी पण रक्त सांडलेला होता। त्या याच्यावरून खात्रीसे पडले की तिचं मर्डर करून त्या ठिकाणी त्याचा हे म्हणजे विल्हेवाट लावलेला आहे। भंडारा से NBCN न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंधालोरे की रिपोर्ट।